सूर्यवंशी फिल्म का ऐलान होता है ईद 2020। अब दोस्तों यहां पर मेरे खुराफाती दिमाग में क्वेश्चन आया है, ये कौन सी वाली ईद है, क्योंकि ईद तो दो तरीके की होती है। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। देखिए भाई, आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर मेकर्स ने पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया है। अगर आप देखेंगे ईद, देखिए ईद बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, हम सब जानते हैं कि ईद एक तो रमज़ान की ईद होती है जो कि एक पूरे महीने के रमज़ान के बाद एक ईद जो आती है जब चांद देखते हैं, सेवैयां ईद भी कहते हैं उसे, तो एक वो ईद होती है, एक होती है बकरीद। दोनों ही बहुत बड़े फेस्टिवल होते हैं, दोनों ही छुट्टी का दिन होता है और लोग इंजॉय करते हैं, फिल्म देखते हैं वगैरह वगैरह सारी बातें। तो ये ईद कौन सी होने वाली है, क्या ये बकरीद होने वाली है या फिर होने वाली है ये रमजान की ईद यानी कि सेवैया वाली ईद। मेकर्स ने यानी कि धर्मा प्रोडक्शन और रोहित शेट्टी साहब ने, दोनों ने मिलकर लिख तो दिया पोस्टर के नीचे ईद 2020, और फैंस ने ये बात सुन के कलेश भी करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर। लेकिन अब दोस्तों ये बात मुझे तो लिटरली, मैं सोच रहा था इसके बारे में कि ये ईद मेंशन क्यों नहीं किया पर्टिकुलरली, और ईद 2020 का क्या मतलब है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ईद 2020 का क्या मतलब हो सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है, तो आप भी मुझे बताइएगा कि मेरी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपको क्या लगता है, क्या ये सही हो सकती है या नहीं, क्योंकि यह सोचने वाली बात है। सोच समझ के आंसर जरूर बताइएगा और बने रहो मेरे साथ, क्योंकि मैं ही आपको इसी तरीके के इंटरेस्टिंग अपडेट्स बताता रहूंगा। टेक केयर।